फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कमल ठक्कर और आपका स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं इजी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। होली का त्यौहार आ रहा है और हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं त्यौहारों में, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी बेक्ड गुजिया की रेसिपी। सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा बांधकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे के बदले गेहूं का आटा लिया है 1 कप और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून रवा और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे हमारी गुजिया खस्ता बनेगी। 1 पिंच नमक डालेंगे और 3 चम्मच थोड़ा सा गरम किया हुआ घी डालेंगे मोयन के लिए। अब घी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ब्रेड क्रम्स जैसी कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता है। आप इसे मुट्ठी में बांध कर देख सकते हैं कि ये बंध रहा है कि नहीं। देखिए, इस तरह से ये बंधना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा बांध लेंगे। आटा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बांधना है और बहुत नरम भी नहीं बांधना है। पराठों के जैसा आटा बांधेंगे हम। आटा बंधकर तैयार हो गया है। अब इसे गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मावा बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का पाउडर डाला है, 1/2 कप दूध डाला है और 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। धीमी आंच पर हमें सब कुछ मिलाते जाना है और पकाते जाना है। करीब 2 से 3 मिनट में ही हम देखेंगे कि ये जो हमारा मिश्रण है वो गाढ़ा होने लग गया है और धीरे धीरे ये कढ़ाई के जो एजेस हैं उसको छोड़ देगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा एकदम फ्रेश और हाइजीनिक मावा करीब 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने गैस बंद कर दिया है लेकिन मावा अभी भी वॉर्म है, तो अभी हम तुरंत ही ऐड कर देंगे 3/4 कप गुड़ का पाउडर। हमने शक्कर के बदले गुड़ का पाउडर लिया है ताकि ये हेल्दी बने। 1/2 कप हमने सूखा हुआ नारियल का बूरा डाला है। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर लिया है। 1/4 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी। 1 बड़ा चम्मच खसखस डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टफिंग एकदम तैयार हो चुका है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब चकले पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। बेलन को भी थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। एक छोटी आटे की लोई लेकर इसे एक पूरी के आकार में बेल लेंगे। पूरी की थिकनेस हमें मीडियम रखनी है। इस तरह का कोई भी ढक्कन लेकर हम इसे काट लेंगे ताकि हमारी जो गुजिया है वो सभी एक साइज की बने। पूरी के एजेस पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे और अब ये जो हमारी फिलिंग है उसे रखकर अच्छी तरह से फोल्ड करके दोनों एजेस को चिपका देंगे। बिल्कुल हवा ना रहे उस तरह से हम इसे चिपका लेंगे। अब हम इसमें एक डिजाइन बनाकर इसे अच्छी तरह से सील करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से प्रेस करते जाएं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लें और फिर अंदर मोड़ते जाएं अंगूठे की मदद से। अगर आपको डिज़ाइन बनाना ना आता हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस फॉर्क की मदद से भी दूसरा तरीका सिखा रही हूँ। इसके लिए भी हम उसी तरह से स्टफिंग को अंदर डालेंगे और पूरा हवा निकालते हुए अच्छी तरह से एजेस को पहले प्रेस कर देंगे। अब
कांटे की मदद से इस तरह से डिजाइन बनाते जाएंगे प्रेस करते हुए। मैंने सारी गुजिया बनाकर इस तरह से ढककर रख दी थी। अब हम एक ओवन पैन को ग्रीस कर लेंगे। मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब सारी गुजिया हम इसमें रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। सभी गुजिया पर घी लगाकर रेडी कर दिया है और अब इसे हम 180 डिग्रीज पर 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेक्ड गुजिया एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। ये एकदम खस्ता बनी है देखिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे तलकर भी बना सकते हैं। 3 से 4 गुजिया इसमें डाल दें तेल में और फिर इसे मीडियम लो आंच पर तल लें। दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन होने तक हम इसे तल लेंगे। हमारी गुजिया अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है। अब इसे निकाल कर एक टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी फ्राइड गुजिया भी रेडी है। फ्रेंड्स, आप भी इस होली में ये हेल्दी बेक्ड गुजिया जरूर ट्राई करें और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।